विकास व आशीष के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती थी उसके आधार पर, जैसे उन्होंने अरेस्ट किया और 5 तारीख को सुबह उनको उस जो आरोप लगाए थे वर्णिका कुंडू ने, उसके आधार पे पुलिस ने उनको जमानत दी। सड़क के जगह उसके बाद लगभग 10 बजे के आसपास इनको दोबारा से इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। ये फिर इस जांच में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। पुलिस ने धारा 164 या जो भी दोबारा से कोई उनकी उनकी जो कार्रवाई थी उसके आधार पे एक धारा और उसके अंदर जोड़ दी। और उसके बाद कल रात जिस प्रकार की जानकारी मुझे मिली, मैं बाहर था, आज भी पुलिस का जैसे ही नोटिस आया जांच में शामिल होने के लिए, मुझे लगता है वो थोड़ी देर में 10-15 मिनट तक, जब तक हम बात करेंगे 10-15 मिनट तक वो थाने के अंदर पहुंचने की उसमें आ जाएगा, उसको मैसेज हो गया है और वो तफ्तीश में शामिल होगा। एक बात और कहता हूँ, ना ही हमने किसी भी तरह जो भी पुलिस इसमें जांच के अंदर जिस प्रकार के भी आरोप उसके ऊपर लगेंगे, उस आरोप के ऊपर कार्रवाई हो, जो भी कार्रवाई बनती है, मैं ये बात कहता हूँ, जितना दोष किसी व्यक्ति ने किया है, चाहे वो मेरा बेटा भी है, रणका कुंडू, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, राजनीतिक आदमी हूँ, उस नाते वो भी मेरी बेटी के समान है। अगर इस केस में मेरे खुद के बेटे का जिस प्रकार से नाम आया है और वो तफ्तीश में शामिल है, अगर कहीं कोई पुलिस की जांच या उस बेटी के बयान के आधार पर कोई कार्रवाई होती है तो कानून उसके ऊपर डटकर के कार्रवाई करे। और मैं नहीं समझता इसमें पुलिस प्रशासन कहीं कोई लापरवाही बरत रहा है। पुलिस पूरी तरह से इस जांच में तटस्थता के, एक प्लीज विकास।